उत्तराखंड में उपचुनाव दो सीटों पर वोटिंग जारी है। मंगलोर विधानसभा सीट पर 1 बजे तक 43.88% मतदान हुआ। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 1 बजे तक 33.08% मतदान। दोनों सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंगलोर सीट पर फायरिंग और पथराव की सूचना भी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रही है उपचुनाव से जुड़ी हुई। दोनों सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बद्रीनाथ और मंगलोर ये दो सीटें हैं जहां पर उत्तराखंड में उपचुनाव जारी है। उत्तराखंड में उपचुनाव दो सीटों पर वोटिंग लगातार जारी और ऐसे में मंगलोर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 43.88% तक मतदान हुआ। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 33.08% तक मतदान हुआ। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, यहाँ पर सभी लोग जो है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही सभी लाइनों में लगे हुए नजर आए। मंगलोर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा दोनों ही सीटें अपने आप में काफी अहम और ऐसे में 1 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो मंगलोर में बद्रीनाथ सीट से ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत ज्यादा देखने को मिला है। मंगलोर सीट पर फायरिंग और पथराव की भी सूचना सामने आई है। उत्तराखंड में उपचुनाव दो सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मंगलोर विधानसभा सीट की बात करें तो 43% तक चुनाव हुआ है और अगर बात बद्रीनाथ की करें तो 33.08% तक मतदान मंगलोर सीट पर हुआ है। क्योंकि देखिए दोनों ही जो सीटें हैं अपने आप में काफी अहम सीटें मानी जा रही है और ऐसे में इन सीटों पर चुनाव लगातार जारी है। उपचुनाव बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 33.08% हुआ है और मंगलोर सीट पर फायरिंग और पथराव की भी सूचना आज सामने आ रही है। देखिए मंगलोर और बद्रीनाथ सीट दोनों ही सीटों पर उपचुनाव लगातार जारी है और दोनों ही सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कड़ी मेहनत यहां पर की है। जो तैयारियां हैं वो भी लगातार जारी थी और ऐसे में देखिए अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाते हैं, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। क्योंकि दोनों ही सीटों की बात करें दोनों ही सीटें काफ़ी अहम सीटें मानी जा रही हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। मंगलोर की बात करें तो मंगलोर जो सीट है अभी तक भाजपा के खाते में एक बार भी नहीं आई है, तो ऐसे में मंगलोर सीट भाजपा के लिए जीतना काफ़ी अहम हो जाता है। हालांकि मंगलोर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक बद्रीनाथ विधानसभा सीट से ज़्यादा मतदान हुआ है। और चलिए जानेंगे कि आखिर किस तरीके से चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ चमोली से संदीप कुमार जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं सबसे पहले तुषार का। तुषार, क्योंकि देखिए उपचुनाव का शोर जो है उत्तराखंड में लगातार जारी था और आज जो है उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों ही सीटें अपने आप में काफी अहम मानी जाती है। तस्वीरें क्या कुछ देख पा रहे हैं आप सुबह से? देखिए बात की जाए उपचुनाव की तो काफ़ी महत्वपूर्ण था सभी पार्टियों के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव, और उसी के तहत सभी पार्टियों ने इस बार प्रचार प्रसार किया था। आज वोटिंग है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जो किस्मत है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। अगर अब तक के अपडेट की बात करूं तो 1 बजे तक बद्रीनाथ सीट में 34.50% वोटिंग हो चुकी है और मंगलौर सीट की मैं बात करूं तो वहां पर करीब 44% जो वोटिंग है वो अभी पूरी हो चुकी है। मंगलौर के एक गाँव में आपस में मारपीट की एक खबर सामने आई है, लेकिन उसे भी पुलिस प्रशासन ने फिलहाल शांतिपूर्ण कर दिया है। जो वोटिंग है वहाँ पर भी फ्लक्चुएट से चल रही है अब देख, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं वो एसपी दयात के कार्यालय पहुँच चुके हैं और वहाँ पर मांग कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से अराजकता फैल रही है उसे रोका जाए और शांतिपूर्ण चुनाव किए जाए। फिलहाल स्थिति को संभाल लिया गया है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा। ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव है फिलहाल शांतिपूर्ण चल रहे हैं, लेकिन दोनों ही सीटों की बात करूँ तो सभी पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों ही सीटों पे उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, तो एक कहा जा सकता है एक मोटिवेशन करने के लिए, साथ साथ जो बूस्टर की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर इस चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से बूस्टर को मजबूत करने की कोशिश की गई, बद्रीनाथ में ठीक चुनाव प्रचार जो प्रसार खत्म होने से पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 6 जो जनसभाएं हैं बद्रीनाथ में की, इससे पहले एक मंगलौर में भी की,
तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी काफ़ी श्योर आई आश्वस्त नज़र आ रही है अपनी जीत को लेकर। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी जीत का दावा करती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस मंगलौर से भी अपना जीत का दावा कर रही है। वह बद्रीनाथ से लखपत पटोला को इस बार उतारा है। राजेंद्र भंडारी जो 2022 में कांग्रेस के से जीते थे प्रत्याशी के रूप में, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो चुके हैं, यहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से जो परिस्थितियां बनी हुई है मंगलौर में, फिलहाल उसे संभालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का ये कहना है कि स्थिति संभाल ली गई है। जी बिल्कुल। और चलिए संदीप भी हमारे साथ चमोली से लगातार बने हुए। संदीप आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, दो जो सीटें हैं मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अरे बताते लगातार सुबह 8 बजे से लगातार जो मतदाता थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ में पहुंच रहे थे, और खासकर जो युवा मतदाता है उनमें खासा उत्साह का माहौल था। और अभी तक हम बात करें तो 34.50% वोटिंग अभी की जा चुकी है, और जो भी जो 210 पोलिंग बूथ टोटल जो बद्रीनाथ विधानसभा में है वहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। यानी कहीं वोटरों में भी खासा उत्साह का माहौल देखने को मिला है, लगातार वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने पोलिंग बूथों में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार जो है चुनाव का शोर जो था उत्तराखंड में लगातार बना हुआ था। उपचुनाव की बात करें तो तुषार, क्योंकि देखिए अगर बात दोनों सीटों की करें तो मंगलौर सीट कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक मंगलौर सीट पर अपना खाता नहीं खोला है कभी, और ऐसे में भाजपा के लिए मंगलौर सीट कितनी अहम हो जाती है जीतना। तुषार आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। तुषार जानना चाहेंगे मंगलौर सीट कितनी अहम हो जाती है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा अभी तक मंगलौर सीट पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। देखिए अगर मंगलौर सीट की बात की जाए तो उसमें 5 चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 बार बीएसपी ने जीत हासिल करी है, जिसमें काजी निजामुद्दीन जो पहले बीएसपी में थे उसके बाद उन्होंने कांग्रेस शामिल करी थी, और उसके बाद लगातार यह देखा गया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार जीत हासिल करी थी। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में वो बीएसपी के जो विधायक थे, जो मौजूदा उस वक्त विधायक थे, जो शरबत करीम अंसारी, उनसे करीब 1000 वोटों से हारे थे। तो ऐसे में कांग्रेस और बीएसपी की हमेशा से वहाँ पर टफ फाइट रही है, क्योंकि विशेष समुदाय और साथ साथ कहा जा सकता है कि जो ओबीसी समाज है वो अत्यधिक वहाँ पर रहता था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से वो टफ सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करती हुई नज़र आती है, और इसके तहत ही आज इस बार जो करतार सिंह बडाना है, जो हरियाणा के पूर्व विधायक थे, उनको इस बार यहाँ पर लाया गया, और कोशिश की गई जो परिवर्तन है वो मंगलौर में लाया जाए। उसी के तहत कहा जा सकता है कि जिस तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार रहा, कई वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, प्रचार प्रसार किया, साथ साथ हरियाणा की जो कहा जा सकते हैं जो विधायक थे सांसद थे उन्होंने भी प्रचार प्रसार करने की कोशिश की यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती है वो देने का काम किया। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो करीब मंगलौर सीट से जो 25,000 वोटों से कांग्रेस आगे थी बीजेपी से, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल जो कांग्रेस की स्थिति थी लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी मजबूत थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से करतार सिंह बडाना को यहाँ पर मौका दिया गया और उसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रदेश के वरिष्ठ नेता हूँ, उन्होंने भी वहाँ पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने भी ये ठाना था कि इस सीट को वो दोबारा अर्जित करेगी, जो बीएसपी से उन्हें 2022 में विधानसभा चुनाव में हार मिली थी उसको दोबारा से बैकअप किया जाए। बीएसपी से अगर मैं बात करूँ तो उनके शरबत करीम अंसारी के जो बेटे हैं वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट हैं वो बीएसपी को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि ये भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर मंगलौर में देखने को मिल रही है। अगर मैं बद्रीनाथ पे आऊँ तो राजेंद्र भंडारी जो 2022 का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े थे, बीजेपी में पहले शामिल थे, उसके बाद वो कांग्रेस में आए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भरोसा दिखाकर उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, और उसके बाद उन्होंने चुनाव जीता, और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी ने अपनी विधायकी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा थी और साथ साथ जिस तरह से प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है उससे काफ़ी प्रभावित था, इसलिए मैंने पार्टी बदली है। वहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए, लखपत पटोला काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी माना जाता है कि उनकी काफ़ी अच्छी टीम है बद्रीनाथ में, तो दोनों ही सीटों में कहा जा सकता है कि काफ़ी टफ फाइट है। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो 8,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे थी कांग्रेस पार्टी से, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ही सीटों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। अब देखना होगा जब 13 जुलाई होगा, जब रिजल्ट सबके सामने होगा, तो नतीजे क्या होंगे।
बिल्कुल तुषार, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अब तो नतीजों पर ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ रहने वाला है। साथ ही साथ तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि किस तरीके से जो चुनाव उपचुनाव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए सभी लोग जो है वो उत्साह वर्वक पहुंच रहे हैं। तुषार, साथ ही साथ एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो नतीजे घोषित किए गए थे लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी पांचों की पांचों सीटों पर काबिज रही, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई, और ऐसे में ये जो दोनों सीटें हैं उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस के लिए कितना टफ हो सकता है इन दोनों सीटों को जीतना, और जो प्रत्याशी है उनमें कितनी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अगर 2017 के बाद की बात की जाए, जब से हरीश रावत की सरकार गिरी है उसके बाद से कांग्रेस का मनोबल बहुत गिरा है। जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो टूटते हुए नजर आए, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करी। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पाँचों लोकसभा सीटें एक बार फिर केंद्र को सौंपित की, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हरिद्वार जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें कभी भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी, लेकिन वो भी बदलाव देखने को मिला। जो मिथ्या था, चला हुआ आ रहा था, उसे भी टूटता हुआ नजर आया। और उसके बाद 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन उस मिथ्या को भी तोड़ा गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी। और उसके बाद अगर मैं अब की बात करूं 2024 लोकसभा चुनाव की, तो उसमें काफ़ी श्योरिटी थी, कॉन्फिडेंस था भारतीय जनता पार्टी में कि पांचों लोकसभा सीट हम जीतेंगे, और उसके परिणाम भी वो देखने को मिले। तो ऐसे में कांग्रेस का मनोबल पूरी तरह से टूटा है। लोकसभा चुनाव से पहले करीब 15,000 से अधिक जो नेता थे, जिसमें वरिष्ठ नेता थे, एक विधायक भी थे जो राजेंद्र भंडारी है, उन्होंने अपनी विधायकी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल करी। साथ साथ कई वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, 15,000 ये करीब आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो कांग्रेस के नेता है और कार्यकर्ता है उनमें जो जोश है उसमें कमी देखने को मिली। और अगर ये सीट अगर वो जीतते हैं मंगलौर या बद्रीनाथ, तो कहीं ना कहीं जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनका जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आगामी चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, साथ साथ अगर बात की जाए तो जिला पंचायत चुनाव होने हैं हरिद्वार छोड़कर, और अब केदारनाथ का भी उपचुनाव होना है। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ कांग्रेस की इस दोनों सीटों पर जीत हासिल की जाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो लगातार उन्होंने जीत हासिल करी है, और जो केंद्र ने उन पर विश्वास जताया है उसे पूरा किया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो तीर्थ स्थल है, और ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कि बद्रीनाथ की दो जनता है और मंगलौर की जो जनता है उसका विश्वास दोबारा से जीता जाए, और जो परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं उसे धरातल पर लाया जाए। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तुषार आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और देखिए बद्रीनाथ और मंगलौर जो दोनों सिटी हैं, लगातार उपचुनाव इन दोनों सीटों पर ही जारी, और जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए भी पहुंच रही हैं।